हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी सिंपल ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके साथ आप अपने आईफोन्स में बैटरी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो और बैटरी ड्रेन का जो इशू होता है iOS 17 के अपडेट्स में उनको भी फिक्स कर सकते हो। अगर आप सभी भी इसी सेम प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो अपने डिवाइसेस के ऊपर, अगर आपने 17.4 के अपडेट को इंस्टॉल करा है तो आपको ये वीडियो ज़रूर वॉच करनी चाहिए ताकि आप सभी अपने डिवाइसेस की बैटरी हेल्थ को मेंटेन कर सको। सिर्फ और सिर्फ 3 टिप्स होने वाली हैं आज की इस वीडियो में, वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं गाइस आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले गाइस, इस डिवाइस के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो डिवाइस है, मेरे को इसे यूज़ करते हुए तकरीबन 1 साल और 6 महीने ऊपर हो चुके हैं। तो ये जो टाइम है, इसमें कितनी बैटरी हेल्थ मेरे डिवाइस की ड्रॉप हुई है, तो यहाँ से चेकआउट करते हैं बैटरी हेल्थ में, तो 93% करंटली हो रखी है। तो ये जो टाइम जोन है 1 साल और 6 महीने का, इस बीच में सिर्फ और सिर्फ 7% बैटरी हेल्थ ड्रॉप हुई है। वरना बहुत से आईफोन्स ऐसे होते हैं जो कि 1 साल में ही अकेली 20% बैटरी को ड्रेन कर देते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ है मेरे केस में। मैंने कैसे अपने डिवाइस को मेंटेन करा है, उसकी बैटरी हेल्थ को कैसे मेंटेन करा है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले गाइस, बात आती है चार्जिंग मेथड की। आप कैसा चार्जिंग मेथड अपने डिवाइस को चार्ज करने के टाइम यूज़ करते हो और कैसे अपने डिवाइस को चार्ज करते हो। सो गाइस, अगर तो आप 0 से लेकर 100% तक अपने डिवाइस को रोज़ाना चार्ज करते रहते हो, इसके साथ क्या होता है कि आपके साइकिल काउंट जो होते हैं आईफोन के, वो काफ़ी जल्दी काउंट होते रहते हैं। साइकिल काउंट्स अगर आपको मेंटेन करने आ गए तो आप अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ को बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन कर सकते हो और अपने बैटरी बैकअप को भी मेंटेन कर पाओगे। इतनी जल्दी बैटरी हेल्थ नहीं ड्रॉप होगी अगर आपने बैटरी साइकिल काउंट्स को मेंटेन करना सीख लिया। बैटरी साइकिल काउंट्स को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 6 दिन आपको ऐसे रखने हैं जिस दिन आपको अपने डिवाइस को 30 से लेकर 80% या हद से हद 85% तक चार्ज कर देना है, 6 दिन। और 1 दिन ऐसा रखना है जब आपको अपने डिवाइस की बैटरी को पूरा 1% तक या 0% तक ड्रेन करना है और फिर अपने डिवाइस को पूरा 100% तक 1 दिन में चार्ज कर देना है। इसके साथ क्या होगा कि आपके जो आईफोन के साइकिल काउंट्स हैं वो इतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं होंगे। अगर साइकिल काउंट्स धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होंगे तो आपकी बैटरी लाइफ जो है वो भी काफ़ी लंबा समय तक मेंटेन रहेगी। इसके साथ आप अपने साइकिल काउंट्स को मेंटेन कर सकते हो इस चार्जिंग मेथड को यूज़ करके। सेकेंडली, जिनके पास OLED डिस्प्ले वाले आईफोन्स हैं, उनको हमेशा डार्क मोड को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो डार्क मोड होता है उसके साथ अपने स्क्रीन के जो पिक्सल्स होते हैं वो ब्लैक में, डार्क में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपका जो डिवाइस है वो कम बैटरी को कंज्यूम करता है। उसके बाद अगर आपको काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन बन चुकी है, आपके डिवाइस की बैटरी जो है वो 10% या 5% के ऊपर आ चुकी है, उस टाइम के ऊपर आपको अपने डिवाइस में लो पावर मोड को यूज़ करना है। लो पावर मोड जब आप यूज़ करोगे तो ये जो मोड है कुछ फीचर्स को डिसेबल कर देता है और यहाँ से जो आपका जो आईफोन है वो बैटरी को भी थोड़ा सा, जिसका ब्राइटनेस होता है उसके लेवल को भी कम कर देता है। उसके साथ कुछ और भी फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि हिडन होते हैं, उनको भी डिसेबल कर देता है। इसके साथ क्या होगा कि आपका जो डिवाइस है वो काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप आपको निकाल कर देगा। तो मेक श्योर रखें कि आप ओरिजिनल केबल्स और ओरिजिनल चार्जर्स को ही यूज़ करें हर टाइम अपने डिवाइस को चार्ज करने के लिए, जिसके साथ आपका डिवाइस की जो बैटरी लाइफ है वो भी इंक्रीज़ होगी। इसलिए कभी भी फेक चार्जर और फेक केबल्स के साथ अपने डिवाइस को चार्ज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि काफ़ी महंगे ये आईफोन्स आते हैं और इनको, इनकी बैटरी हेल्थ को मेंटेन करना आपके हाथों में होता है कैसे आप इसे यूज़ करे हो। हीटिंग कम से कम करो अपने डिवाइसेस पे ताकि आपको कोई भी हीटिंग से आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो ड्रॉप ना हो सके। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसके साथ आप अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो और बढ़िया बैटरी बैकअप भी अचीव कर सकते हो अपने डिवाइसेस के ऊपर iOS 17 के अपडेट में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।